हनुमान चालीसा भगवान राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाइयों का एक समूह है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब और कैसे की, इसके पीछे इतिहास की एक बहुत ही रोचक कथा जुड़ी है। दरअसल तुलसीदास जी के द्वारा गाए गए राम मंत्र के प्रभाव से एक मृतक जी उठा था। यह बात आग की तरह सारी दुनिया में फैल गई। जब बादशाह अकबर के कानों तक यह बात पहुंची, तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। तुलसीदास जी ने मुगल बादशाह के आदेश पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उस समय पर श्री राम भजन में व्यस्त थे। बादशाह ने इसे अपनी तोहीन समझा। तुलसीदास जी को गिरफ्तार करने के लिए उसने अपने सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने अगले दिन गोस्वामी जी को अकबर के दरबार में पेश किया। बादशाह ने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन करवाने की चुनौती दी, तो उन्होंने जवाब दिया कि राम को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसके पास सच्ची भक्ति हो। इससे बादशाह और नाराज हो गया और उस अहंकारी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी में सलाखों के पीछे डाल दिया। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने कारावास के इसी समय में की थी, जब उन्हें मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जेल में कैद कर रखा था। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिनों तक किया। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने जब 40 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान पूरा किया, तो बंदरों की एक सेना ने दिल्ली को तबाह कर दिया। बंदरों की सेना ने अपने नाखूनों से सबको चोट पहुंचाई। छज्जों पर चढ़कर बादशाह के चमचों पर पथराव किया। एक बूढ़े हाफिज ने बादशाह से कहा कि जिस हिंदू फकीर को तुमने गिरफ्तार किया है, ये सब उसी का चमत्कार है। बात को समझकर बादशाह तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें रिहा कर दिया, क्षमा याचना की। तुलसीदास जी ने बंदरों के आतंक को रोका और बादशाह से उस स्थान को त्यागने को कहा। बादशाह सहमत हो गया और वापस दिल्ली चला गया। तब से उस घटना के बाद से अकबर तुलसीदास जी का घनिष्ठ मित्र बन गया और उसने एक फरमान भी जारी कर दिया कि भगवान श्री राम हनुमान और अन्य हिंदू धर्म के अनुयायियों को उसके राज्य में परेशान नहीं किया जाना चाहिए।